यहाँ पे मम्मा कर रही है सूट को प्रेस। आगे आ जाओ। ये सूट लेके जाने वाली हूँ मैं ना वहाँ पे, और सूट बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देख सकते हो आप ना, ब्लैक कलर का है, कॉटन है ये, और ना बड़ी मतलब ऐसे करो ना, सुंदर सी कॉटन है ये देखिए। और जैसे वहाँ पे गर्मी होगी, ऐसे गेस कर रही हूँ, गेस क्या कर रही हूँ, गर्मी होगी यहाँ पे तो मौसम ख़राब है ना, तो उस हिसाब से ये हल्का फुल्का वर्क है ना इसके ऊपर, थ्रेड वर्क है। और नीचे थोड़ा सा पीछे जाओ शांति, नीचे ना मतलब इतना बढ़िया डिज़ाइनिंग है ये देखिए किनारों पे ना इस पर, मुझे बड़ा सुंदर लगा ये सूट। जैसे मेरे पास रिसीव हुआ ना तो मैंने सोचा कि मैं यही लेके जाऊँगी सूट, वैसे भी फॉर्मल में आ जाते हैं ना, और सुंदर लगेगा ये, मतलब जैसे शाम को डीजे पार्टी वगैरह भी होगी ना तो उसमें मतलब पहनने के लिए मस्त लगेगा। तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ सारे कपड़े, बाकी ये शर्ट फॉर्मल के लिए मतलब पैंट के साथ पहनूंगी, तो इसमें भी प्रेस कर देती हूँ। इसका जो कॉटन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, तो इसका कलर भी है अच्छा, तो हाँ कलर भी वाइट एंड पिंक, वाइट कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैं उसमें मतलब पैकिंग हो रही है अभी मेरी ना, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ इकलौती ना जो मतलब चलती बरी में करती है सब कुछ, एंड मौके पे, एंड मौके पे, और अभी 2 घंटे रह गए ना, बोले इसकी क्रीजिंग क्या हो गई, 2 घंटे रह गए ना, तो उसमें मैं पैकिंग भी कर रही हूँ। अभी मैं ना हाई भी नहीं हूँ, फिर उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है, इवन मेरी आईब्रोज में सोच रही थी कि बनवाऊंगी जाने से पहले, पर कहाँ मेरे पास टाइम है, ये होता है मतलब मोस्टली सोचते होंगे कि ये बड़ी सिंपल है, भी अपनी आईब्रो भी नहीं बनाती, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वाईफाई बंद करते, बंद ना वाईफाई पा रहे थे, बटन बंद करते रहना। तो अभी आप देख सकते हो कि मौसम कितना ख़राब है, दिन में बारिश लगी हुई थी, और ये देखो वंदना हो गई है तैयार, घर रह गया फैला हुआ ही ना, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं इतना कि इसको मैं समेट सकती, ठीक है। किचन कर दिया था ना क्लोज, हाँ जी हाँ हाँ, मेरे को ना चलने से पहले थोड़ा ऐसे फील हो रहा है, मेरे से इतनी वॉमिटिंग आ रही है। अरे वो टैबलेट ले लेनी थी शानू को लाई थी, वो वैसी है, वो चूसने वाली हो, उल्टी लिखा है जैसे, हाँ हेलो दीदी, चल ले लेंगे भाई, इतने चल आइए जल्दी कर, एक बार किचन को देख ले दरवाजा। तो आप ये देख सकते हो कि हम भी, मैंने भी एक बैग डाल दिया है, बस मैं इसको जरा एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। मैंने बिल्कुल छोटा सा बैग लिया है, मेरा बैग देख के आप हैरान रह जाओगे कि भाई एयरपोर्ट जा रही है लड़की, पर भाई इसका बैग इतना छोटा कैसे है, कहाँ से ये सामान का जुगाड़ करेगी, क्या होगा इसके साथ, इतने से बैग के साथ ही कहाँ जा रही होगी, तो मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन अभी सस्पेंस ही है, क्या पता अगला सामान कहाँ हो, क्या हो, बंद कर दे गेट, फिलहाल वो तो गया, चल रहे थे पूरा ही, हाँ पर फिलहाल के लिए जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो मेरे इस छोटे से बैग में आ गई, इस वजह से मैं कुछ और लेके नहीं जा रही हूँ, एक ही ये लेके जा रही हूँ ना, बस एक ये और एक ये, इतना कर काम चल जाएगा। स्वेटर पहननी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे मौसम हो चुका है बिल्कुल ख़राब, तो ऐसी ऐसी बातें, चलो तो चलो। एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं उसको, मैं अकेले जा रही है, देखो पति को छोड़ के अकेले जा रही है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम दोनों जाएंगे, वही अगली बार मैं ऐसा जुगाड़ करूंगी कि आप भी मेरे साथ ही होंगे। मैंने कहा यार मौसम है, मौसम की वजह से मैंने कहा चलो यार कहाँ जाना है, वैसे मैं काफ़ी घूम चुका हूँ तो इसी को छोड़ के आ जाता हूँ। चलो ये तो घूमे हैं बट मैंने घूमी हूँ ना, बाकी मौसम आप देखिए, हमारा इस मौसम से भी ज़्यादा देखने वाली बात ये है ना कि हमारा जो रोड है आप देख सकते हो कि पक्का हो गया, इधर की साइड को जाएगा ये है ना, मतलब आवादेबी वाली साइड को है ना, और इधर का तो ठीक है, गड्डिया वाले भी हाईवे पर अब नॉन स्टॉप पे चलने, एड़ा ने रखा बेड़ा समझा भी, ये भी अब चंडीगढ़ रहा है अच्छा समझे ना समझे, ये खाइया हो था साइड चलना ठीक रहा, और मौसम ऐसे चेंज हुआ कि सब लोगों ने डाल दिए हैं स्वेटरें, मैं
फिर दे दूंगी इनके पास ना, बैग लेके जा ही रहेंगे। और देखिए इन्होंने तो जैकेट डाली है, मेरे को बोले ना तो बालू नजर आई रही, मेरे को ना एक्चुअली कोई भी और मिला नहीं, यही मिली फटाफट। और ये गर्म भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वोल्वो की बुकिंग फुल हो गई थी तो उसको कल बोल दी रही थी मैं। पता क्या होता है ना, एक दिन पहले अरेंजमेंट करना होता है, मेरी तैयारी, मेरा बैग पैक हुआ अभी 10 मिनट पहले है ना, तो मैं आपको भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से मतलब नहीं दिखा पाई, क्योंकि एक्साइटमेंट तो था मेरे को भी जैसा चीज़ शेयर करूँगी। लेकिन जैसे जनाब खुद लेट लेते थे ना, तो उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया आधा घंटा, तो फिर देखा आधा घंटा पहले इतनी लिया जो है ना, मैं गरा गच गच ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट मोमेंट पे भी ये मेरे को ना एडिटिंग में लगा रखा था इन्होंने, ऐसे ऐसे है क्या करें। तो ये रहा बस स्टैंड का नज़ारा, और हमारी बस आएगी तो देखिए हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। अब कित खजल बस तो इतना चलनी थी, अच्छा बस के बोर्ड वगैरह हरिद्वार चल रही था क्या, चल हमारी बस, ये रही बस। और अब परी रेव चढ़ गए, बैग डाल दो ऊपर और कंफर्टेबल होकर के बैठते हैं फिर। ये रही बस और ये है बाहर का व्यू, तो ये मुस्कर लग गया रहा मेरे व्यू जो एक आफ उतरेगी तो अभी हम रात को पहुंच गए हैं 12:30 बजे चंडीगढ़। ये आप चंडीगढ़ का नज़ारा देख सकते हो, बस स्टैंड 43 में पहुंचे हुए हैं। उसके बाद अब हम थोड़ी देर के बाद में जाएंगे एयरपोर्ट। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे रहे, हमने खाना भी खाया, फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर टहलने लग गए कि क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे 12:30 बजे, तो हमें यहाँ से चलना था 4:15। तो अभी हम चंडीगढ़ से 43 से निकल गए हैं कैब में एयरपोर्ट के लिए, थोड़ा वहाँ पे लेट हो गए थे इसलिए मैंने कहा चलो कैब बुक करवा के जल्दी निकल जाएं, क्योंकि गाड़ी एयरपोर्ट के लिए 4:30 भी आनी थी। तो फिर मिलते हैं एयरपोर्ट में ही। तो अभी हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट में, तो एक्चुअली हम आ गए हैं जल्दी ना, 4:15 बजे चले थे वहाँ से कैब में, तो 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और जो फ्लाइट है वो है 7 बजे की। तो मैंने उस पर देखा था टिकट पे, लेकिन उस वक्त तो उस पर 6:30 लिखे हुए थे ठीक है, लेकिन जो फ़्लाइट थी वो 7:30 बजे जानी थी ठीक है। तो फिर मैं वंदना को यहाँ पे छोड़ गया कि हाँ भी चल तू यहाँ पे अंदर, 2 घंटे पहले मतलब घंटा पहले बोर्डिंग पास वगैरह बनाना पड़ता है ना, लेकिन मैंने ऑनलाइन इसका बना दिया था, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इसका, तो मे भी कुछ भी हो सकता था, तो इसलिए हमने टाइम से पहले चले गए थे। तो ये आप देख सकते हो वंदना को मैंने छोड़ दिया है, जिसने जाना होता है वही जाता है अंदर, और जिसका टिकट नहीं होता है वो नहीं जाता है। तो बस अब वंदना चलेगी है, अब इसके बाद अंदर बोर्डिंग पास वगैरह जो भी अपना फॉर्मेलिटी होगी वो पूरा करेगी, और मैं वापस। तो अभी मैं वंदना को छोड़ के आ गया एयरपोर्ट के अंदर ठीक है, तो वो अभी उसकी फ़्लाइट थोड़ा मैं अभी निकलता हूँ, तो मैंने भी अभी कैब बुक करवा लेता हूँ वापस जाने के लिए ना, क्योंकि मैं छोड़ने के लिए आया होता उसको, क्योंकि बेचारी फर्स्ट टाइम जा रही है, तो इसीलिए अब मैं निकलता हूँ आराम से। तो ये आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, तो अभी ये देखो नीचे बस कहाँ पर मिलेगी ये मुझे नहीं पता, ये देख सकते हो सामने का व्यू। तो इस टाइम कम से कम मुझे हो गए हैं 1.5 घंटा हो गया है वॉक कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि इसके वॉक करने के बाद ही मैं कैब लेता हूँ। सामने देखो हो रहा है एयरपोर्ट, तो यहाँ से मैं आगे चले गया फिर वापस आ रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ ना कोई अभी कैब नहीं मिल रही है यार, एक्चुअली जो ऐप इंस्टॉल किया था वो कहता बंदना के मोबाइल पर, उसमें नेट चल नहीं रहा है, तो मुझे दोबारा बैक जाना पड़ रहा है। कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल हो गया मेरा सुबह से वॉक, और मज़ा आ गया वॉक करने का, ओह माय गॉड।
तो अभी आप देख सकते हो, अभी मैं जा रहा हूँ 43 में पहुँच गया था, फिर वहाँ से मैं जा रहा हूँ 17। थोड़ा सा मुझे काम है, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठूँगा, फिर दोबारा वापस आ जाऊँगा, फिर गाड़ी देखूँगा वापस आने की। तो अभी पहुँच गया हूँ 43। बस यहाँ मैंने फ़ोन किया ट्रेवलर वाले को ना, वो जाता है 9 साढ़े 9 बजे सरका घाट, तो डायरेक्ट मैं उसी में चले जाऊँ क्योंकि बस का वेट करूँगा, फिर बस डायरेक्ट तो जाएगी नहीं। और ड्राइवर जो ट्रेवलर है वो ठीक है, टाइम पे ही पहुँच जाऊँगा। और बनना तो अभी पहुँच गई है, फिर उससे पहले मैं पहुँचूँगा बनना आएगी कल, और मैं अभी निकलता हूँ। ये देखिए, ये 43 है बस स्टैंड। काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ ट्रैवलर का, जो कि मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया यार, अभी थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। अगर नहीं आए तो फिर मैं यहीं से बस पकड़ लूँगा बिलासपुर से फिर सरका घाट के लिए। तो पर मैं सिटी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और ट्रैवल में ये है कि कभी रुकते नहीं है, स्टे नहीं करते, डायरेक्ट सरका घाट और धर्मपुर पहुँच जाते हैं। तो उनके तो आएंगे, काफ़ी काम कर चुका हूँ उनको, मैं देखते हैं 5-10 मिनट और रुक जाता हूँ। तो बीच में ट्रैवलर वालों ने रोका था खाना खाने के लिए, तो ये खाना बहुत टेस्टी टेस्टी बनाया हुआ था, राजमा कढ़ी और साथ में बासमती थी मिक्स वेज, तब मुझे बहुत टेस्टी का खाना बनाया हुआ था यार। जितने बार भी जाऊँगा यहाँ पे ज़रूर खाऊँगा खाना। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं घर पहुँच गया हूँ, मैं आया हूँ ट्रैवल, जो ट्रैवलर गाड़ियाँ आती हैं यार इतनी तेज़ चलाते हैं ना, और इतनी फास्ट है कि मतलब कहीं ना बिलासपुर गए ना कहीं गए, बस मतलब कि मैं 9:30 बजे चला था तो यहाँ 1:30 बजे पहुँच गया, मतलब 3-4 घंटे में। और बहुत बढ़िया, मतलब यार शॉर्ट रूट से आते हैं वो, अगर बस में आएंगे तो पहले वहाँ से आएंगे, कहीं बीच में बसें रुकती है वो होती है तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, और इसमें तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया। जैसे कल कल आएगी वंदना, तो मैंने बोला हुआ है कल वहाँ से 1-1:30 बजे भी चलती है वो ट्रैवलर। तो यार इस टाइम ना थक चुका हूँ बाइक, और आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, और अभी वंदना का फ़ोन आया था मुझे कि अभी अभी जहाँ पे उसने पहुँचना है वो अभी पहुँची है, वो एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट से वो जहाँ पे मीटिंग वगैरह है वहाँ जाएगी। और ये तो अच्छा हुआ कि रास्ते में बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की, और चंडीगढ़ में देखा मैंने इतनी गर्मी नहीं है, मतलब सेम ही लगा मुझे, क्योंकि यहाँ तो मौसम ख़राब था, वहाँ चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी जितनी, सेम ही लगी मुझे फ़िलहाल तो, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ। और इस टाइम बस अब शानू मिट्ठू गए हुए हैं, क्या नाम, पार छोड़े हुए हैं मैंने, जो मेरी मासी है ना उनके यहाँ छोड़े हुए हैं, और तो कहीं जहाँ और मैं कहाँ भी छोड़ता है यार। देखो वंदना के मम्मा पापा वो इतने दूर पड़ते हैं, ठीक है, और अपनी सिस्टर को मैंने बोला था, उसने समझ सकते हो यार, हम तो हर बंदे के लिए करते हैं लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब चलो जो करता है अच्छे के लिए करता है, अब जो नहीं करेगा मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। मुझे तो अगर एक फ़ोन भी किसी बंदे का आ जाए ना उसी वक्त उठ के जाता हूँ, ठीक है, चलो जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, सही बात है ना। तो अभी मैं फटाफट नहा लेता हूँ ना, फ्रेश हो लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे करता हूँ बात, फिर अभी मैंने ब्लॉग भी बनाना है, ठीक है। तो अभी ब्लॉग की करता हूँ यहीं पे एंडिंग। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।